हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की जो वीडियो है वो यूपी एएसआई के ऊपर है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि कट ऑफ आ चुका है, यूपी एएसआई का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया और ये हाई देखते हुए यूपी एएसआई वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत परेशान है। यूपी एएसआई में जिनके नहीं हुआ वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या करें, हमने टाइपिंग किया 3 महीने 4 महीने टाइपिंग में बर्बाद किया और अब पता लगता है कि रिजल्ट में कुछ नहीं हुआ। तो गाइस, मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि आप लोग सब लोग अभी हिम्मत मत हारिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो कट ऑफ आया यही फाइनल हो गया, इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं आएगा, इसके बाद भी कट ऑफ आएंगे। और ऐसा मैं 100% सियोरिटी से तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ना तो मैं भर्ती बोर्ड में काम करता हूँ, ना तो मैं ऐसे किसी बंदे को जानता हूँ जो भर्ती बोर्ड में एक्चुअल में काम करता है। बट मैंने जितना रिसर्च किया, जितना मैंने जाना, यूट्यूब पर वीडियोज देखी, चीज़ें देखी, उससे मुझे ये पता लगा कि कुछ बच्चे जो थे अभी 4-5 दिन पहले ही गए थे भर्ती बोर्ड में, उन्होंने अपना पूछा, उन्होंने बोला, तो उन्होंने ये बताया कि अगर सीटें खाली हो गई तो सेकंड लिस्ट निकलेगा और अगर सीटें खाली नहीं रही तो सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगा। बट मैं बता दूं, ये सारी जो जानकारी है ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, तो मेरी इस बात पे आप पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते हो कि ये बात एक्चुअल में हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, बट अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बिहाफ पर आप तैयारी जरूर कर सकते हो, अभी भी आप टाइपिंग कर सकते हो। जो एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनके नंबर अभी भी 290-300 के आसपास हैं, वो प्लीज़ तैयारी कर ले। हो सकता है उनको भी कॉल आ जाए, उनको भी बुलावा आ जाए, इसलिए प्लीज़ अभी आप लोग एकदम हिम्मत हार के मत रहें। तो मेरा यही मानना है और मेरा यही सोचना है कि आप लोग जो है इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ थी कि बहुत लोगों के मन में यह है कि यूपीएसआई का जो कट ऑफ इतना हाई चला गया है, इसकी वजह से क्या पता यूपीएसआई का कट ऑफ भी हाई हो। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए वो टाइम गया जिस समय में आप लोग सोचते थे कि आप लोग बहुत ही नॉर्मल सा एवरेज सा पढ़ाई करेंगे और गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और यही रियलिटी है कि अगर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, बहुत सही तरीके से नहीं पढ़ाई करते हैं, तो फिर वो नंबर आ पाना बड़ा मुश्किल है। फिर हम बाद में ब्लेम करते हैं कि यार इतने नंबर आ नहीं सकते, इतना नंबर हो नहीं सकता, इतने नंबर कोई ला नहीं सकता, जबकि एक्चुअल में बात यह है कि अब सीटें रह गई हैं बहुत कम और कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा हाई। तो अभी का सीन ये है, या तो आप पढ़ते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल पढ़िए, और या फिर आप बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दीजिए, प्राइवेट जॉब में कीजिए। प्राइवेट जॉब में भी अच्छा स्कोप होता है, कुछ टाइम बाद प्रमोशंस होते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, चीज़ें होती हैं। अगर आपको स्टिल गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो फिर उसके लिए आपको 100% एकदम पढ़ाई बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। खैर, ये सब बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं सब बातों करके आपको डिमोटिवेट करूं। अभी बस ये है कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जो लोग थोड़ा सा नीचे हैं, वो लोग प्लीज़ टाइपिंग कर लीजिए। टाइपिंग करने से आपका कुछ लॉस नहीं होगा, बट हाँ, प्रॉफिट जरूर हो सकता है। तो यही चीज़ है। बाकी गाइस, आप लोग जितने भी वीडियो सब नेट पे देखते हो, किसी को एक्चुअल में कुछ नहीं पता, एक्चुअल में मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं सही बताऊँ तो मेरे को बस जितनी चीज़ें पता लगती हैं उस हिसाब से मैं आपको एकदम सही और एक्यूरेट जानकारी दे पाऊँ, जिससे कि आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो पाए, आप लोग बिल्कुल भी कहीं पर आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। और मेरा काम यह है कि चलो आपको सही तरीके से गाइडेंस देना कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं, वो ये चीज़ें क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही चीज़ें। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने जो कि 3 मिनट की वीडियो बना के दिया वो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं बता दूँ, मैं यूट्यूब पैसे के लिए नहीं करता, मेरा चैनल मोनेटाइज है, बट मैंने कभी भी इसके कभी फॉर्म को भरना है कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं ये वीडियो केवल आप लोगों की जानकारी के लिए बनाता हूँ। इसीलिए मैंने 5 महीने 4 महीने बाद ये वीडियो बनाई है। तो गाइस, यही चीज़ है, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। तो बस यही चीज़ है। थैंक यू सो मच।